तो दोस्तों यहाँ पे मीशो में आपको एक समस्या आ रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स रिटर्न कैंसिल या आप रिफंड करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। ये सब कैसे होता है यही बात करूँगा आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। फ्रेंड्स आप वीडियो स्किप करते हैं उसके बाद आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको समस्या होती है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ आप ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मीशो ऐप को ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर कर रखे हैं, ये देखिए माई ऑर्डर में मैं जब भी जाऊँगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर कर रखे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, ये सारे कैंसिल किए हैं मैंने और रिटर्न भी किए, ऑर्डर किए हैं यहाँ से और लिए भी हैं। फ्रेंड्स मेरे साथ कभी ऐसी समस्या नहीं आई कि मैं यहाँ से रिफ़ंड करूँ और रिफ़ंड ना हो या रिटर्न करूँ रिटर्न कैंसिल हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स आप एक गलती करते होंगे, आपका प्रोडक्ट जो आपने मीशो से लिया है उसमें हो सकता है रिटर्न पॉलिसी ना हो, या फिर रिटर्न पॉलिसी हो तो ऐप वालों को लगता हो कि वो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है या आपने पहना है। अगर आपने जूते मंगाए, आपने ट्राई किए हैं, आपने पहने हैं और थोड़ा जो उसकी साइनिंग है वो बेकार हो गई होगी, इसलिए आपका ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। यहाँ मैं फ्रेंड्स एक मीशो ऐप का स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। अभी गैलरी में जाता हूँ मैं, और दोस्तों मैं यहाँ गैलरी में आ गया हूँ और यहाँ देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया है और यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ इस स्क्रीनशॉट को। यहाँ देखिए यहाँ पर उपभोक्ता उत्पादन के गलत या क्षतिग्रस्त होने के अलावा अन्य कारणों से विशिष्ट उत्पाद को वापस करने के लिए पात्र होगा। यानी कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसे अगर आपने यूज़ किया है या थोड़ा फट गया है या थोड़ा उसमें कोई कमी आई है, ऐसा करके कुछ भी उसके साथ है तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप रिटर्न कर रहे हैं और उसकी पिक्चर जब आप अपलोड करते हैं मीशो ऐप पे तो उनको लगता है कि इसकी साइनिंग ख़राब हो गई है। तो जब भी आप कोई पिक्चर अपलोड करें मीशो ऐप पर प्रोडक्ट की तो आप अच्छे से अच्छा अच्छी रोशनी में जाकर उस पिक्चर को क्लिक करें, पहले कई सारे पिक्चर उसके ले लें उसके बाद मीशो पर अपलोड करें। हो सकता है आपके पिक्चर देखकर ही मीशो वाले समझ जाते हों आपने प्रोडक्ट की साइनिंग बेकार कर दी है या आपने उस प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज़ किया है, ये सब हो सकता है। फ्रेंड्स आपने यूज़ किया हो और वो इसीलिए रिटर्न ना करते हों, तो सबसे पहले आप जो भी पिक्चर ले रहे हैं उसे फ्रेंड्स अच्छे से लें, पहले 8-10 पिक्चर ले लें और जो 3-4 फ़ोटो आपने लिए हैं उसमें से बढ़िया बढ़िया फ़ोटो रहने दें और जो बेकार फ़ोटो हैं उसे डिलीट कर दें और उसके बाद मीशो ऐप में जाएं, रिटर्न पे जाएं, वहाँ वो पिक्चर जो अच्छे वाले आपके पास हैं वो वाले पिक्चर डालें। ऐसे पिक्चर ना डालें जो बेकार हैं, अच्छे ही पिक्चर डालें जिसमें साइनिंग दिख रही हो, टूटा फूटा आपका प्रोडक्ट या आपने कोई नई कुर्ती वगैरह मंगाई हो उसको मोड़ माड़ के रखा है, ऐसी पिक्चर ना डालें। अच्छे से उसका फोल्ड करें उसके बाद ही पिक्चर डालें। यहाँ पर फ्रेंड्स मीशो जब भी आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कैंसिल करेगा तो वो आपके पिक्चर से ही आइडिया लगा लेता है आपने उस प्रोडक्ट को कितना यूज़ किया है या आपने उसकी साइनिंग ही बेकार कर दी है। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को जो आप रिटर्न करना चाहते हैं उसके 8-10 पिक्चर लें, जो अच्छे पिक्चर आए साइनिंग वाले पिक्चर हैं वही मीशो पे अपलोड करें। उसके बाद आप जब भी कभी मीशो पे रिटर्न करेंगे तो कभी कैंसिल नहीं होगा। और दूसरा फ्रेंड्स रिटर्न करते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे फ्रेंड्स रीज़न अच्छा सा चुनें। रीज़न में कोई जो 3-4 रीज़न दिखाता है वहाँ पे रीज़न हमेशा पढ़ लें, पहले रीज़न अच्छे से चुनें उसके बाद प्रोडक्ट को रिटर्न करें। जैसे आपने शूज़ मंगाया है, अब वहाँ पे होता है रीज़न में दिया होता है नंबर गलत है या गलत प्रोडक्ट आ गया है या आपके पास फ्रेंड्स गलत नंबर का शूज़ आया है,
तो उस हिसाब से आप कलर वगैरह जो भी वहाँ दे रखा है तो एक बार देख लें आपको क्या चीज़ गलत आई है या आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप तभी उस रीज़न को सेलेक्ट करके अपना मीशो का प्रोडक्ट, जब भी आप मीशो का प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे तो कभी कैंसिल नहीं होगा, हमेशा आपका रिटर्न होगा। यहाँ पे मैंने लाइव आपको वीडियो बनाकर कई बार दिखाया है रिटर्न करके, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने हमेशा पिक्चर अच्छी ली है उस प्रोडक्ट को अपलोड करते समय। तो इन दो चार बातों को यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपने प्रोडक्ट कोई भी मंगाया है उसकी साइनिंग वाले पिक्चर लें और अच्छे से रीज़न चुनें और उसके बाद रिटर्न कर दें, आपका प्रोडक्ट 100% रिटर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो को आपने पूरा देखा, धन्यवाद। अब यहाँ तक दोस्तों आप पूरा वीडियो देख ही चुके हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।